रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सब का रेडियो। मैं हूं आनंद और आज हमारे बीच उपस्थित हैं एसएस मेमोरियल कॉलेज के इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री मोहित कुमार लाल जी। आज आप स्टूडियो में टाना भगत का ऐतिहासिक महत्व क्या है, इस विषय पर आज आप अपनी वार्ता प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है प्रोफेसर मोहित कुमार लाल जी। आनंद जी, हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग इस क्षेत्र में, जो आज झारखंड क्षेत्र है, यहाँ एक जन आंदोलन चलाया गया था जिसको नाम दिया जाता है टाना भगत आंदोलन। यह आंदोलन इस क्षेत्र में एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ और इसने शीघ्र ही राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया। कालांतर में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया। यह इस आंदोलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में राष्ट्र से क्षेत्र प्रभावित होते रहे हैं। राष्ट्रीय आह्वानों पर क्षेत्रों में जन आंदोलन प्रारंभ होते रहे, लेकिन टाना भगत आंदोलन की यह विशेषता है कि यह आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर प्रारंभ हुआ और शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित हो गया। इस आंदोलन के प्रणेता थे जतरा उरांव या जतरा भगत। इनका जन्म गुमला जिले में विशुनपुन प्रखंड में 1888 में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, जो आदिवासी क्षेत्र में उस समय थे, ये उरांव जनजाति के थे, ये उस काल में जादू टोना भूत पिशाच इन सब की पूजा होती थी और यही विद्या ये भी सीख रहे थे। लेकिन अचानक 1914 में इनको एहसास हुआ कि इससे समाज का कल्याण नहीं होगा और इन्हें एक दिव्य दृष्टि मिली। ये तालाब में नहाने गए और इन्हें धर्मेश का आह्वान सुनाई दिया। धर्मेश अर्थात उरांव के महान देवता। वहाँ से निकलकर इन्होंने एक जन आंदोलन प्रारंभ किया जो वस्तुतः एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका मूल मंत्र था मांस मदिरा का त्याग करो। मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, जनेऊ धारण करना है। और इन्होंने धर्मेश के लिए तरह तरह से पूजा पद्धति बनाई जिसमें इन लोगों ने यह भी आह्वान किया कि हमें बेगार नहीं करना है, जमींदारों के अंदर हमें भूमि को जोतना नहीं है क्योंकि हल जोतने से भूमि को कष्ट होता है और कोई लाभ हम लोग को नहीं हो रहा है। चूँकि इनकी जो पूजा पद्धति थी, ये शाम को जमा होते थे और अपने मैदानों में अलग ढंग से गाना गाते थे, धर्मेश के लिए पूजा प्रार्थना करते थे, तरह तरह की क्रिया करते थे और इसमें बाहरी लोगों को आने पे रोक रहता था। तो इससे इनका आंदोलन एक रहस्यमय आंदोलन बन गया और ब्रिटिश सरकार को ये प्रतीत हुआ कि कहीं ये आंदोलन बिरसा मुंडा की तरह, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ था 1900 में, उसकी तरह ये हिंसक रूप नहीं ले ले। तो उन्होंने इनकी गिरफ्तारी प्रारंभ की, विशेषकर जो जमींदार लोग थे उन लोग को बेगार नहीं करने से और हल नहीं चलाने से इनका विरोध शुरू हुआ। जतरा भगत को गिरफ्तार करवा दिया गया। ये जेल से छूटे लेकिन ज़्यादा दिन इनका जीवन नहीं रहा। ये 1916 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन निरंतर जारी रहा। सिद्धू भगत और बलराम भगत, बुद्धू भगत, इस तरह से कई जननायक पैदा होते चले गए और यह आंदोलन चलता रहा। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, अहिंसा और सत्याग्रह का वचन दिया, तब ये लोग उस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए और ये गांधी जी को भी एक ईश्वर मानने लगे, बाबा मानने लगे, उनके अनुयायी हो गए और ये गांधी के सच्चे अहिंसक अनुयायी बन गए। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1920 से 22 के बीच में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इस क्षेत्र में जबरदस्त जन आंदोलन हुआ इनके नेतृत्व में। इन्होंने कर नहीं देने का आंदोलन शुरू कर दिया। 1922 में जब बारदोली में कर नहीं देने का आंदोलन शुरू होने की बात थी तो ये भी उत्साहित होकर कर नहीं देने का आंदोलन में शामिल हुए। 1927 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, तब भी इस क्षेत्र में इन लोगों ने कर नहीं देने का सत्याग्रह अपने आप ही प्रारंभ किया। इनकी जमीन नीलाम कर दी गई,
इन्हें जेलों में डाल दिया गया, लेकिन इन्होंने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। ये एक विशेष घटना है कि 1922 में जब गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो 400 टाना भगत पैदल ही रांची से गया पहुंच गए और इन्होंने 3 दिन में पूरा मैदान साफ करके तैयार करके अपना वहां पर शिविर लगाया। ये लाहौर तक गए पैदल, कलकत्ता अधिवेशन में गए। इन लोगों ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अहिंसक जन आंदोलन चलाए रखा। इस क्षेत्र में तमाम कष्ट सहे, इनकी भूमि बेची गई, लेकिन इन्होंने गीत और संगीत के माध्यम से इस आंदोलन को जीवित रखा। इनके आंदोलन की अद्भुत विशेषता यह थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इन लोगों को लगा कि चूंकि जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रहे हैं तो जर्मनी को भी लोगों ने बाबा मानकर जर्मन बाबा के नाम पर गीत गाए। इस तरह से इनका आंदोलन 1947 तक यथावत चलता रहा जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली। यह एक अद्भुत आंदोलन था। चूंकि जिन लोगों को लोग कहते हैं कि शिक्षित नहीं थे, अनपढ़ थे, उरांव थे, और फिर भी इन्होंने उस कुछ उच्च कोटि के सत्याग्रह अहिंसा का परिचय दिया। कुछ इतिहासकार इन्हें सांस्कृतिक करण का प्रतीक मानते हैं कि क्योंकि इन लोगों ने अपने से उच्च कोटि के वर्ग के आदतों को अपनाया, जनेऊ को अपनाया, मांस मदिरा का त्याग किया, अहिंसक रहे, गांधी टोपी पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। लेकिन इस क्षेत्र की अद्भुत विशेषता रही कि जितने भी इस क्षेत्र में आंदोलन हुए अल्टीमेटली वे हिंसक हो गए और उसको सरकार ने दमन करके दबा दिया। लेकिन तमाम दमन कार्यक्रमों के बावजूद यह आंदोलन अहिंसक बना रहा। गुमला जिला, लोहरदगा जिला, कुड़ू क्षेत्र, मांडर क्षेत्र, पलामू के कुछ भागों में यह आंदोलन विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। आज आज़ादी के बाद जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तब सरकार ने इनकी भूमि वापस करने का अधिनियम पारित किया, लेकिन फिर भी सभी टाना भक्तों को उनकी ज़मीन आज तक वापस नहीं मिली है। आज भी लगभग 10,000 टाना भगत हैं इस देश में जो आज भी अपने सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन को यथावत बनाए हुए हैं। आज भी वे गांधी के सच्चे अनुयायी बने हुए हैं और राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं।